हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको घुमाने के लिए ले चल रहे हैं चैल पैलेस। इसके लिए सबसे पहले आपको चैल पहुंचना होगा। चैल जो कि हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये जो आप देख रहे हैं ये शिमला चंडीगढ़ हाईवे है। इस पर जब आप चलेंगे तो सोलन से आगे एक जगह पड़ेगी कांडा घाट। ये जो आपको सामने दिख रहा है कांडा घाट जगह है, यहाँ से आपको राइट लेना है चैल के लिए और यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर दूर आपको चैल पड़ेगा। इसी रास्ते पर आपको सीधा चलते जाना है। चैल जो है वो शिमला से भी अधिक ऊंचाई पर है और वहाँ पर कुछ जगहों से शिमला रात को नज़र भी आता है। घाट तक आप ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं, जो कि टॉय ट्रेन है जो कि कालका से चलती है। कांडा घाट रेलवे स्टेशन पर उतर के यहाँ से आप लोकल बस के द्वारा भी चैल जा सकते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये चैल है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये जो आप अभी देख रहे हैं चैल की मेन रोड और मॉल रोड है। इसी मॉल रोड से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आगे आपको चैल पैलेस पड़ता है। चैल पैलेस जो कि बहुत ही फेमस है, जहाँ पर 3 इडियट मूवी के साथ साथ बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी हुई है। आज मैं आपको चैल पैलेस पूरा घुमाऊंगा और चैल पैलेस के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो ये चैल की मेन मार्केट से, जहाँ से व्हाइट कारें आपको आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, यहीं से आपको इसी रास्ते से आगे बढ़ना है और ये पूरी मार्केट पार करते हुए लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर चलना है तो आपको चैल पैलेस का मेन गेट मिल जाएगा। ये चैल पैलेस में जाने की मेन एंट्री है। यहाँ पे जो आप गेट देख रहे हैं द पैलेस, यहीं से आपको एंट्री करनी है और नीचे जो सड़क जा रही है ये स्टोन शिव टेम्पल में जाती है। तो फिलहाल हम द पैलेस चल रहे हैं और यहाँ पर आपको टिकट लेना होगा। हम यहाँ पे 22 जून 2024 को गए थे। इस समय यहाँ पर पर्सन का जो टिकट है वो 200 रुपये है। ये रिकमेंडेड है कि गाड़ी आप अंदर ही ले जाएँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूरी चैल पैलेस की पड़ती है। अंदर आपको फ्री पार्किंग मिल जाएगी और सिक्योर पार्किंग मिल जाएगी। ये चैल पैलेस वही है जो कि 3 इडियट मूवी में रैंचो का घर दिखाया गया है। जब उसके दोस्त उसको ढूंढने के लिए आते हैं तो ये वही जगह है और इस जगह की हिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी है। ये जो चैल पैलेस है ये महाराजा ऑफ पटियाला भूपेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया है। कहा जाता है कि ब्रिटिश टाइम पे शिमला जो है वो अंग्रेजों की समर कैपिटल हुआ करती थी और राजा भूपेंद्र सिंह भी उस समय पे शिमला जाया करते थे। तो उन्होंने राजा भूपेंद्र सिंह के वहाँ प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब राजा भूपेंद्र सिंह ने डिसाइड किया कि वो शिमला से भी ऊंची जगह पे अपना एक नगर स्थापित करेंगे। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं चैल में। चैल में उस पैलेस पे आए हैं जहाँ पे 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई थी। ये पैलेस 1891 में निर्मित किया गया था, जो कि 75 एकड़ में फैला हुआ है। प्रदेश सरकार ने 1971 में महाराजा पटियाला से करीब 22 लाख रुपए में जमीन खरीद ली और 1972 में प्रदेश पर्यटन विकास निगम का होटल यहां पर खोला गया। ये सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं द पैलेस चैल, इस पर चैल पैलेस की हिस्ट्री लिखी हुई है और ये चैल पैलेस की यहां से एंट्री है। अब जब आप चैल पैलेस के अंदर आएंगे तो यहां पे आपको सब कुछ राजसी दिखेगा, यानी सब कुछ एंटिक आइटम आपको यहाँ पे लगे हुए दिखेंगे। और वर्तमान समय में चूंकि एक होटल बन चुका है तो इसके अंदर आपको बहुत सारी शॉप्स भी मिलेंगी, जो कि हिमाचली परिधान, हिमाचली चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इसके अंदर कई सारे रूम भी हैं जो कि आप हिमाचल गवर्नमेंट के साइट पर जाकर के बुक भी कर सकते हैं। इन रूम्स का जो टैरिफ है वो वर्तमान समय में 5,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक प्रति रूम है। तो अगर आप चैल आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना रूम बुक करके यहाँ की जो फील है वो ले सकते हैं। यहाँ 3 इडियट के अलावा आओ प्यार करें, दाग, ये दिल लगी, कर्मवीर और प्यार झुकता नहीं की शूटिंग भी हुई है। रूम्स के नाम भी बहुत यूनिक रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं महारानी रूम, इसी तरह से किंग रूम है, इसी तरह से वजीर रूम है, दीवान रूम है, तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। और ये जो सामने आप रूम देख रहे हैं किंग्स डाइनिंग है, यहाँ पर बैठ करके आप डिनर वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी मैगजीन्स, बुक्स वगैरह भी पढ़ने को मिल जाएंगी। अभी हम चैल पैलेस के बाहरी हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ अगर आप बाहर देखेंगे तो बहुत बड़ा लॉन दिया गया है। इतने बड़े लॉन में आप कहीं भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों के साथ कुछ खेल सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप यहाँ पे आएँ तो एक फुटबॉल या फिर बैडमिंटन अपनी गाड़ी में ज़रूर रख लें। अदरवाइज़ आपको यहाँ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अंदर विजिट करने के बाद आप खाली बैठेंगे। बच्चों के लिए फिर भी प्ले एरिया है, जो कि आपको दिखा होगा। बच्चे यहाँ पर आकर के झूला झूल सकते हैं और यहाँ पर एक कैफ़े भी है जिसमें आप कुछ खा पी सकते हैं। ये बच्चे यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, बट बड़े एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद, आधे एक घंटे के बाद फिर बोर होने लग जाएंगे अगर वो अपने साथ कुछ नहीं लाए हैं। तो यहाँ की जो सुंदरता है उसका भी मजा लीजिए और यहाँ फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आइए। जैसे कि हम भी यहाँ बैडमिंटन लेके आए थे, ताकि पूरा चैल पैलेस विजिट करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचे उसे हम इन्जॉय कर सकें। तो यहाँ हमने बैडमिंटन खेला और बच्चों के साथ
खूब मजा किया, खूब मस्ती करी, और आपको सही बताएं तो किसी भी विजिट का मजा ही तब है जब उसमें कुछ मस्ती हो, और मस्ती के लिए यहाँ पर आपको जरूर कुछ ना कुछ लेकर के आना है। रोड कंडीशन काफ़ी सही है, बस यही रिकमेंडेड है कि अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी यहाँ पर धीमी चलाएं, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है और सड़क की चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपकी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 30 से 35 के बीच में रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। आप भी अगर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। गर्मियों में यहाँ आने का अलग मज़ा है और सर्दियों में अलग ही अपना मज़ा है।